नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है एडुटेरिया का बिहार एसएससी के लिए जो नया बुक निकला है वॉल्यूम 2 नंबर, उसका जो है आज हम सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। सेट नंबर 1 का डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल में बिहार एसएससी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ पर इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाला सेल जो है लिम्फोसाइट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही होगा। लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स जो है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। यह सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होता है जो कि जिसका संख्या WBC का 20 से 30 प्रतिशत तक होता है, इसका संख्या WBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है। तो मानव की पसलियां जो है अस्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मानव में 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां होता है और यह जो है अस्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है? तो सुक्रोज नामक एंजाइम जो है शर्करा को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में जो है बदल देता है। शर्करा को जो है सुक्रोज नामक एंजाइम ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज नामक में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेंटोस में बदल देता है। लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है और माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इन्होंने ही गति के तीनों नियमों का भी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108×10⁻³¹। ये इलेक्ट्रॉन का होता है द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672×10⁻²⁷। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.678×10⁻²⁷। तो इसमें से जो है सबसे बड़ा प्रोटॉन होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन आएगा और सबसे लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका आंसर होगा 2, 3 और फिर 1। तो इसमें से नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। तो सी मार सकते हैं आप, 2 नंबर होगा पहले, उसके बाद 3 नंबर आएगा और फिर जो है 1 नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है जल चक्र में। इसमें से जल चक्र में जो है सौर विकिरण की सब महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। तो त्वचा कैंसर जो है परावैग्नी किरण के कारण होता है। ध्वनि प्रकाश प्रदूषण को जो है डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापमान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है और ओजोन परत में छिद्र जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। तो इसका होगा 2, 1 का 2, B का 3, C का 4 और D का 1। ऑप्शन नंबर B जो है इसका सही होगा।
2341 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प यानी कि फिलोसफर्स वूल कहलाता है? तो ये जो है जिंक ऑक्साइड को जो है ये कहा जाता है यशद पुष्प, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह एक जो है सफेद पाउडर होता है जिसका उपयोग की सौंदर्य प्रसाधन, स्याही या फिर मलहम आदि में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघटक के रूप में अमोनियम क्लोराइड और फिर जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है विद्युत अपघटक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 डिग्री फॉरेनहाइट का सेल्सियस में मान बताएं। तो इसको जब आप डिग्री 86 डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करिएगा तो इसका मान आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मान 30 डिग्री सेल्सियस आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो लेजर का उपयोग होलोग्राफी में, कैंसर चिकित्सा में भी होता है, सीडी डीवीडी और स्कैनर एवं प्रिंटर में भी जो है लेजर का यूज किया जाता है, एटॉमिक रिएक्टर में जो है लेजर का यूज नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो इसमें से जो है नियोप्रीन जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह जो है क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक होता है नियोप्रीन, यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर होता है और इसका उपयोग जो है पाइप बेल्ट आदि को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये सेरिब्रम में जो है स्मरण क्षमता होता है मानव के मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह जो है ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि का नियंत्रण भी जो है सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो गन्ना का जो है संग्रह अंग तना है, अदरक का भी संग्रह अंग जो है तना ही है, आलू का भी जो है संग्रह अंग तना ही है, लेकिन शकरकंद का जो है यह शकरकंद का संग्रह अंग जो है जड़ होता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 होगा। शकरकंद का संग्रह अंग जड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसके लिए जो है रेटिनोल होता है, सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनोल जो है आवश्यक होता है। विटामिन ए का नाम ही जो है रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, जिसकी कमी से जो है शरीर में रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? तो पुष्प के जो है वर्तिकाग्र यानी कि वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय का एक युग्म, ये सभी जो है मादा प्रजनन से संबंधित है, लेकिन शुक्राणु वाहिनी जो है ये पुरुष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो ये जिंक ऑक्साइड जो है ये
यशत पुष्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः जो है उष्मीय प्रदूषण का कारक बनता है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का वो कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये वायु का वो कार्बनीय गैसीय प्रदूषक है। तो इसका ऑप्शन नंबर चार जो है सही होगा, बी और सी इसका दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? तो इसमें जो है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट का यूज किया जाता है डायनामाइट का निर्माण में। इसको ही जो नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है जन्म के बाद। हेपेटाइटिस जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इससे प्रभावित अंग जो है यकृत जो है हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है। चेचक, वेरियोला, ये सभी जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है और इससे जो है शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। चेचक से जो है लाल दाना शरीर पर पड़ जाता है। चेचक का खोज एडवर्ड जेंडर ने किया था। पोलियो वैक्सीन का खोज जो है जॉन साल्क ने किया था और पोलियो ड्रॉप का खोज साबिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो है सही दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम ही जो है ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होता है, इसलिए इसका जो है परमाणु ईंधन में नहीं इसका यूज किया जाता है। कैडमियम की क्षार को जो है परमाणु के रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में यूज किया जाता है। तो बाकी तीन जो है थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम जो है ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो इसका वर्णन जो है दीर्घ निकाय में दिया हुआ है वज्जी संघ का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दीर्घ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ था जिसमें बौद्ध की कई व्याख्यान दिए हुए हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया था दीर्घ निकाय को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से जो है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है और यहां से ही जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था और 1961 ईस्वी में जो है बीबी लाल और बीबी बी के थापर के निर्देशन में यहां पर व्यापक खुदाई हुआ था। नक्काशीदार ईंटे का प्रमाण भी जो है कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में जो है भूमि राजस्व की दर 1/6 था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1/6 जो है गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो ये शिशुनाग वंश के शासक था कालाशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग के द्वारा 412 ईस्वी में किया गया था। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली कर दिया था शिशुनाग। कालाशोक जो है पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा में स्थापित कर दिया था और शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? तो इसने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। मुर्शिद कुली खा जो है अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था और मीर कासिम जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका एक जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। औरंगजेब ही ने बीबी का मकबरा नामक द्वितीय, जिसे कि द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ये औरंगाबाद में बनवाया था बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब एक खुदाई कहा था? तो नायाब एक खुदाई जो है स्वयं को बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बलबन ने ही राजस्व सिद्धांत दिया था जो कि एक दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित था। बलबन ने रक्त और लोह नीति का प्रतिपादन किया था। नवरोज का त्यौहार और सिजदा एवं पेवोस प्रथा को भी जो है लागू बलबन के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 को हुआ था और इसकी स्थापना जो लास्ट जो है ये 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जो है ये लास्ट हुआ था। इस युद्ध को जो है महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्रों के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल था। 1917 ईस्वी में जो है इसमें यूएसए भी शामिल हो गया था मित्र राष्ट्र की तरफ से। केंद्रीय शक्ति में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गेरिया जो है महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल थे केंद्रीय शक्ति में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1815 ईस्वी में कोलकाता में। ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो इसका ऑप्शन नंबर चार जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन नंबर चार इसका सही होगा। बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। उसी प्रकार स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालचारी थे। तो इसमें पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। 26 नवंबर 1930 ईस्वी को जो है लाहौर में
जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। नेहरू जो है अध्यक्ष पद के लिए 3 बार चुने गए थे, 1929 ईस्वी में, 36 ईस्वी में और 1937 ईस्वी में जो है ये अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत संचालित वो नियंत्रित होता है, उसका उल्लेख है। ये जो है 243 के तहत संचालित और नियंत्रित होता है राज्य चुनाव आयोग, पंचायत चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 243 का 1A में जो है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 का बी में पंचायत का जो संविधान होता है उसके बारे में बताया गया है। 243 का ई जो है ये पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। 243 का आई जो दिया हुआ है इसमें वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन इसके बारे में दिया गया है। और 243 का के जो है ये पंचायतों का चुनाव के बारे में बताता है। 243 का के जो है पंचायतों का चुनाव के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 243 का के जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः राष्ट्रपति के लिए पात्र होता है, ये कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति के लिए पात्र होता है भारत में राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और जो है ये 15वीं राष्ट्रपति जो है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य का मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ये जो है आर्टिकल 164 का बी में दिया हुआ है कि राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए जो है शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता, ये सभी जो है इसके लिए आवश्यक है लोकतंत्रात्मक शासन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अस्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, यह किस अनुच्छेद में है, यह जो है आर्टिकल 19 का 1 में जो है दिया हुआ है, इसी में अंतर्निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ये जो है पीबी नरसिम्हा राव के प्रयास से 1992 में जो है संसद के द्वारा पारित हुआ था। इसके तहत जो है संविधान में भाग 9 में आर्टिकल 243 के क से लेके आर्टिकल 243 के न तक जो है जोड़ा गया था संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया था, जिसमें कि मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन होता है, तो ये सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, 8,48.486 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2001 से 2011 के दौरान जो है जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो इस दौरान जो है बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 2011 में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 था, लिंगानुपात जो है 918 था, शिशु का लिंगानुपात जो है 935 था। यहाँ के साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो टोटल 61.8 था, जिसमें कि पुरुष का 71.2% था और महिला का 51.5% था। तो इसका आंसर नंबर 4 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। न्यू गिनी द्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया में है और मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा क्यों होता है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में जाड़ों के दिनों में वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत में जो है 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में 80% से अधिक वर्षा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील जो है विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो ये SBS राघवन समिति ने ये सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। विजय केलकर समिति का गठन जो है भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल का अध्ययन करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। रंगराजन समिति का गठन गरीबी रेखा को मापने की पद्धति को समीक्षा करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था रंगराजन समिति का। तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसको जो है NSSO ये जो है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण जो है दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वातावरण में उपस्थित जो है विभिन्न ग्रीन हाउस गैस जैसे कि सूर्य प्रकाश में उपस्थित लघु तरंग जो है तरंग को पृथ्वी पर आसानी से आने तो देता है, लेकिन पृथ्वी के धरातल द्वारा निर्मुक्त दीर्घ विकिरण को ग्रीन हाउस गैस अंतरिक्ष में जाने से रोक देता है, जिसके कारण ही जो है वातावरण गर्म हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? अधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो इसमें कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश को जो है शामिल किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है वातावरण गर्म होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात जो है घटने लगता है। ऑप्शन नंबर एक इस बी इसका जो है सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से जब अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण होता है तो इसके बाद ऊर्जा जो है घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में पेरिस पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ये स्पेन और फ्रांस को जो है अलग करता है पेरिस पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है फ्रांस और इटली को अलग करता है। जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है। तो इसका आंसर नंबर एक जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो दूसरा आदमी जो है एडवर्ड बज एलिड्रन जो है चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी था, ये यूएसए का था। प्रथम आदमी चांद पर उतरने वाला जो है नील आर्मस्ट्रांग था, ये जो है फर्स्ट पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मेहर मूसा जो है भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने में सफलता प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रीति सेन गुप्ता जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। उत्तरी ध्रुव पर ये इन्होंने पहुंचा था प्रथम बार। उज्ज्वला पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने की वर्ष 1988 ईस्वी में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। और गीता घोष जो है भारत की पहली महिला पैराट्रूपर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को जो है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये गुजरात में शुरू किया जाएगा भारत का प्रथम पनडुब्बी पर्यटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसमें से जो है सभी पर केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर इसका चार जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ये IRCON और RITES, इसको जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये जो है 15वां नवरत्न है और रिट्स जो है ये 16वां नवरत्न का दर्जा इसको दिया गया है। उन्हें यह दर्जा जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ये बिहार के जो है हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट का स्थापना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है 2030 का फीफा विश्व कप 3 महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा। ये अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में जो है इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये नंदिनी दास को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है। ये बिहार राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत 107 पदक जीता है। एशियाई खेल 2023 जो है चीन के हांगझू में आयोजित हुआ था जिसमें भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक प्राप्त किया था। टोटल 107 पदक जो है इसमें भारत प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार नोबेल में अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कि क्लाडिया गोल्डिन को जो है गोल्डिन नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। यदि आप इस वीडियो को PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैं सभी वीडियो का PDF डाल दिया करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।